पर करते थे हमारे नेता प्रतिपक्ष महेंद्र प्रसाद जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भानु जी और रघुवीर जी कौशल एस टी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जी मीणा और महा समागम में पधारे सभी को हमारे कार्यकर्ता बच्चों मेरी माता है मेरे सबसे पहले तो आपको खुश रहूँ सब लोगों को घर बैठे घर बैठे सबको मेरी ओर से हम सब की ओर से आपको प्रणाम और सब पूरी युवा शक्ति से यहाँ पूरे मैदान के अंदर फैली हुई है उन सबको भी प्रणाम करना चाहूंगी कि यही है जो आगे चलते हमारी महिला और परिवार के साथ बदलाव लाने का काम करेंगे आज विशाल सैलाब के अंदर हम सब आपके सामने खड़े हैं भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ये आपके बीच में बैठे हुए हैं और इतने दूर दूर से आप लोग अपने घरों को छोड़ छोड़कर इतनी सारी परेशानी उठाकर यहाँ हम सब के बीच में आए हैं मैं आप सबका आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस कल्प को कहकर हमारा हौसला अफजाई करने का यह बहुत बड़ा काम किया आप सब अपने आंखों में सपने अपने होठों के ऊपर दुआ और अपने दिल के अंदर आशीर्वाद लेके जरूर आए हैं ये मैं विश्वास करती हूँ और इसीलिए भी मैं आपका आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी आज हम लोग क्या इकट्ठा हुए हैं एक मकसद के लिए हमारा सबका एक लक्ष्य है क्योंकि हमारा सपना भी एक ही है आप सब जो यहाँ बैठे हो हम यहाँ बैठे हुए हम सबका वो एक ही सपना है क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं आपके लिए अच्छा कल आपके बच्चों और युवाओं के लिए एक सुंदर भविष्य निर्माण भारत के लिए प्रगति और विकास और सबके लिए एक बहुत खुशहाल और सुंदर विकसित राष्ट्र यही आपका सपना है हमारा भी सपना है हम लोग सब इस चीज को चाहते हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब हमको सुनने तो जरूर आए हैं परंतु आगे को सुधारने के लिए आए हैं आप लोग हमको सबको ये कहने आए हैं कि आज कितनी बड़ी संख्या में अगर यहाँ से लेके वहां तक और बाहर खड़े हुई जो कितना धन सेना यहाँ पहुंचा है तो आप ये कहने आए हो हमारे नरेंद्र भाई मोदी को कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन यहाँ से शुरू होगा ये हम लोगों ने अपने मन में तय करके कठान मान के लेके शक्ति यह हम लोगों के बीच में आया हुआ है मुझे बहुत गर्व है मुझे गर्व है कि मैं उन लोगों के बीच में यहाँ खड़ी हूँ जिनके पूर्वज अरुणा प्रसाद को दिल्ली के तारा शाह से सहायता जिन्होंने की थी मुझे गर्व है कि मैं उन लोगों के बीच में खड़ी हूँ जिन्होंने व्यवहार और यहाँ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अरुणा साला का साथ दिया था और बिछड़ेगा सब लोगों ने करके ऐसे लड़ाई के अंदर जूझ के साथ दिया था और भाइयों और बहनों आज फिर से एक बिहार को लड़ाई का हमारे लिए समय आ गया समय आ गया है कि हम कांग्रेस के खिलाफ एक और लड़ाई लड़े समय आ गया है कि वर्ग और जन विरोधी सरकार को लड़ाई देने का तैयार हो सब ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं ये बहुत जोरदार लड़ाई है उस लड़ाई के अंदर सबके सब यहाँ पर बैठे हुए उसके अंदर उसको जो शरीफ होने वाले हैं ये विश्वास मैं आज आप लोगों के बीच में खड़े होने याद करती हूँ कांग्रेस कितने साल हुए सात साल से हम लोग सबको लूट की है इन्होंने हमारा सम्मान हमारी आजादी हमारी रोजी रोटी हमारा भविष्य हमारे सपने इन सब के ऊपर हमला किया इन सब को चूर चूर करने का काम किया कांग्रेस को सिर्फ भाइयों हराना नहीं है कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है तैयार हो जड़ से उखाड़ के फेंकना है करिए
मोदी जी पूरे भारत को एक लक्ष्य के लिए जुटाकर रख दिया है। वो लक्ष्य क्या है? एक कांग्रेस मुक्त भारत। क्या है? एक कांग्रेस मुक्त भारत। पर आज आप सबको याद देकर मैं मोदी जी को वचन दे सकती हूँ कि ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो आपने लक्ष्य सबको दिया है उस पर पूरा करने का काम आज हमारा क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र से शुरुआत हो रही है। जो साल शुरू में बताई है हमारे गाँव में, मैं आपको विश्वास करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जयपुर के अंदर ये शुरुआत हुई थी उस मोबाइल निर्माण का काम हमने देखा और निर्माण और भारत से जुड़ किया है। हम जब तक नहीं रुकेंगे तब तक आपको प्रधानमंत्री बनाने और मोदी को बिठाने का काम नहीं करेंगे। हमें आजादी मिले भाइयों 65 साल हो गए भैरव सिंह जी के और मेरे को छोड़ के, आपने हमको सेवा करने का मौका दिया। परंतु आपने अपना भरोसा अपने सपने कांग्रेस के हाथ के अंदर दिए। अच्छी तरह से देख सकते हो आप जब चाहे जहां चाहे वो सब चाहते आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कोई करेगा, कोई सरकार क्या करेगी उसके बारे में आप सुनना चाह रहे हो तो उसकी वजह से कांग्रेस ने आप लोग अपने परिवार के इतिहास यहाँ पे रहती है, दुनिया में रहती है। अभी और जल्दी भी हो गए हैं, कल भी हो गए हैं, उनके परिवार के साथ रहो। हमें और कुछ सुनने को भी मिलता है हमारे बच्चे कान पर से कान आज हमने सुनिए कि उन्होंने उनके परिवार ने हम सबके लिए क्या किया। परंतु जमीन के ऊपर कुछ देखने को नहीं मिलता है और इसलिए हम सब उन तरफ से दुखी हैं। आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो कि बेहतर शिक्षा मिले, आप चाहते हो कि हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए सही चिकित्सा का इंतजाम मिले और कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ आप लोगों से वोट ले। हम ये कहना चाहते हैं कि मुफ्त दवाई ले जाओ, ये बार बार उन्होंने कह दिया। पार्टी जब भी चुनाव में उससे आते हैं तो बताते हैं कि हमने आपके इसके लिए कितना काम कर दिया। तो भाइयों और बहनों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सब दोस्त भी नहीं है, जब नर्सी नहीं है, जब कंपाउंडर नहीं है तो किस तरीके से आपको दवाई लिखने मिल जाएगा, किस तरीके से आपको दवाई पहुंचाई जाएगी, तो सब कहे की बात है। और कह कह के तो हमारे प्रधान बच्चे इन सब बातों को सुन सुन के पड़ गए। उदयपुर, बारकवाड़ा और प्रतापगढ़ इनके अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 60 है, आज जिलों में 60। मैं ये देखना बचना चाहती हूँ कि चिकित्सकों के सब पद रिक्त है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा है भाइयों, एक भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। कई व्यक्ति अपने इलाज के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? और कहते हो कि आपको फ्री दवाई दे रहे हो। मैं कहना चाहती हूँ कि 2009 से अब तक प्रतापगढ़ के अंदर खाली 2 और उदयपुर के अंदर खाली 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं 5 साल के अंदर भाइयों। 2012-13 के अंदर बारकवाड़ा के अंदर मात्र है 2 और उदयपुर के अंदर 30 प्रकृताओं की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और सोचो कहाँ हम जाएंगे, किसकी बात जाएंगे? मेवाड़ में क्या बोले कि बजाय शिशु मृत्यु है, किसी जोरदार तरीके से बनी है। 2011-12 के अंदर उदयपुर के अंदर 33%, बारकवाड़ा के अंदर 34% और उदयपुर के अंदर 31%, पूर्व वर्षों से बहुत ज्यादा अधिक। इस तरीके से शिशु मृत्यु दर का भी आप लोगों के सामने मैं कहना चाहती हूँ। हमारे बच्चों को भी कोई संभालने के लिए तकलीफ नहीं कर रहा है। कांग्रेस कहती है आप लोगों को कि अब लैपटॉप ले लो, पर स्कूल उसमें अध्यापक नहीं। बोर्ड की परीक्षा में आदिवासी इलाके के अंदर जो 6 जिले हैं भाइयों, वे सबसे निचले स्थान पर रहते हैं। हैदराबाद के अंदर 52 माध्यमिक विद्यालय है जिसके अंदर सिर्फ 3 प्रिंसिपल है और बारकवाड़ा के
के जोलमा राजकीय विद्यालय में सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दे सके। ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों जो महान विज्ञान का भाषा लिखा इसने सब से भी लोग यार स्कूल बोल रहे हो तो सारे लगे हुए हैं, पिंजरे नहीं है तो सारे लगे हुए हैं और सब लोगों को कह रहे हो चिल्ला चिल्ला के मन के ऊपर से कि हमने बहुत काम किया था आप लोगों के लिए इतना सारा काम किया। आपकी चिंता करती है कांग्रेस, नहीं वो कह रही है 2000 छात्रों को बीएड की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में जाने नहीं दिया। यह आज आप लोगों ने अच्छी तरह से सवाल सुना है, यह आज की परीक्षा उसने हमारे बच्चों को उलझा दिया। मैंने सबको कह दिया है कि आज प्रबंधन हम लोग करेंगे और जिस तरीके से आपने हमारे सरकार के समय में 10 लाख नौकरियां बच्चों को दिलवाई थी उस तरीके से प्रबंधन करके आप लोगों को फिर से नौकरी दिए जाने का हम लोग करेंगे। यह मेरा रिमार्क आज मोदी जी के सामने आपको सुना रखा है। कितने लोग चाहती है इस सरकार में, कितने लोग चाहती है ये पूछने की बात है। अभी अभी आदिवासी की यूनिवर्सिटी की स्थापना की, महाविद्यालय की स्थापना की, उसमें एक छोटे से कमरे में तो कुलपति को बिठा दिया परंतु एक भी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। जमीन नहीं दी गई, बिल्डिंग नहीं खड़ी है और ऊपर से बच्चे नहीं है तो ऐसे को घोषणा बहुत बहुत अच्छी आई हो परंतु जब तक वो जमीन पर नहीं आती है तब तक वो सरकार की उपलब्धि नहीं होती है और ऐसे की घोषणा करने वाली सरकार को आज के फिक्र का काम हम सकता है। मैं भाई और बहनों मुख्यमंत्री से बनी थी तब सबसे पहले मैंने कई बार अपने इस क्षेत्र के अंदर दौरा किया, तब पूरी सरकारी मशीनरी को लेकर मैं अपने क्षेत्र के अंदर आई, इस भारत क्षेत्र के अंदर तंबू लगाए और तंबू लगाने वाले के साथ दिन हम लोगों ने सबको लेकर दौरा किया, आपकी बात को समझने की कोशिश की और प्रयास किया कि वो भारत को हम ठीक करके आप लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। पहली बार आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासियों को सरकारी नौकरी के 45% आरक्षण देने का काम किया। हमारे सरकारी सेवाओं में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए रोस्टर प्रणाली भी चालू किया आपको याद होगा और सरपंच प्रधान जिला प्रमुख इन महत्वपूर्ण पदों के ऊपर भी हमने आदिवासियों को आरक्षित सबसे पहले करने का हम लोगों ने काम किया। उन्हें याद है कि स्कूल की और पढ़ाई की योजना पहली दफा हम लोगों ने हमारी बच्चियों के लिए किया। हमने कह दिया कि 75% मानसिक बच्चियों धरती में जन्म लेते हैं उस पर स्कूटी लेंगे और जो नौवीं में पास करके आ जाती है और रुक जाती है उसको साइकिल लेने काम पान करेंगे। आज उसकी को आगे बढ़ाने का काम हमने अखबार में सुना परंतु कितने लोगों को साइकिल मिले, कितने लोगों को स्कूटी मिले, यह भाइयों आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। आदिवासियों को उनके रियायती मकान का पट्टा देने के अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की, ये कार्य भी कांग्रेस सही तरीके से 5 साल के अंदर नहीं करती। आज 16,000 से ज्यादा अधिक पद पर ये आपके अधिकार पत्र जो है वो अधिकारी नहीं किए और 5,000 से अधिक प्रकरणों का निर्णय ही नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या संवेदनशील सरकार है, इसको संवेदनशील कहते हैं। सरकार के जो अच्छा सलाह आपको याद होगा कि जो छोटा सलाह भारतीय प्रधानमंत्री की फैक्ट्री के अंदर उन प्रकरणों के अंदर जो भी एफआईआर दर्ज की गई थी लाल न्याय के अंदर आप लोगों को आना जाना पड़ता था और चलान इन दोनों को वापस करने का काम हम लोगों ने किया और उसके बाद 5 वर्ष के अंदर कितनी राहत यहां कांग्रेस की सरकार ने आपको दी वो आप अच्छी तरह जानते हो। राज्य प्रधान मास अधिनियम 2012 इसके अंदर एक ऐसा कानून निकाला सरकार ने कि मवेशी के को भी वन क्षेत्र के अंदर नहीं ला सकते, आपने भी ला सकते चलाने के लिए और कोई भी सूखी लकड़ी भी नहीं काट सकता और अगर कहता है तो 50 गुना तो कोई बड़ा भी और 6 महीने की आपको छुट्टी हो जाएगी। तो बेचारा गरीब आदिवासी भाई का कहा विधानसभा के अंदर हमने जोर से इसका विरोध नहीं किया परंतु सरकार अपने मन से जो प्रशंसा उसने कर दिया और मैं आपको बड़ा करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार
کہ آپ لوگ بھی یہ سرکار سے وعدہ کیے تھے تو پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ روزی روٹی کے لیے زمین اور گھر کے لیے سنگھرش کر رہے ہو، موقع ملے گا ہماری زمین رابرٹ وادرا کو بھیجنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہو اسی کا میرے میں دس ہزار بیگھہ بھومی اس رابرٹ وادرا کو بھیجنے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے، اور یہاں کی سرکار اس مہینے کی اوپر کیسے لگاتی ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ 17 ستمبر کو آپ نے راہل گاندھی ہے اور کئی تین پاور پلانٹ جو ہمارے جھارکھنڈ کے اندر ہے اس جھارکھنڈ کے پاور پلانٹ کا اداٹن ہوا، 600 میگاواٹ کا پلانٹ چل نہیں رہا ہے بھائیوں، اور اس کو دکھانے کے لیے ایک دن کے اندر کوئلہ کھا کے اس کو چلانے کا ٹربائن چلانے کا کام انہوں نے کیا، جس دن وہ چلا گیا ہے اس دن سے لے کے آج تک وہ پاور پلانٹ ویسے کے ویسے پڑا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہن بیٹیاں ماتا ہے میرے ان کی سرکشا ہمارے رکشا کے لیے پانچ لوگ کتنا بھائی رکھو منتری مہیلا کیچر کے ساتھ نرمان کرتے ہیں اور بھارت کے اتہاس میں آپ کو کوئی ایسا سرکار یاد آتی ہے کیا جس کے اتنے منتری مہیلا کے ساتھ سرکار کے کارن سرکار ہے کوئی اور سرکار سے ایسا کیا؟ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری کچھ آپ کے لیے گھوشنا ہے کہ ہمارا یوجنا میری تھی اگر وہ بابا کا یوجنا صحیح طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہوگا تو آپ لوگوں کو اس افراد تفریح میں کچھ باٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو 1500 روزگار 50 لاکھ پریوار کو مل جاتا، 30,000 روپیہ کی سواستھ بیمہ کارڈ کو مل جاتا، آپ کو کروڑ کی اسکیم تھی 2 کروڑ بانٹوں کے پاس ہو گیا ہے اور بہت سارے بہت سے آپ کو سب کو پیسے مل جاتا، مجھے معلوم ہے کسان میرے پہلے پیسے چالو کی گئی ہے پر آج بھی بہت سارے لوگ میرا کہتے ہیں ان کو پینشن نہیں مل رہی ہے تو سب کہہ نہیں پاتے ہیں، میں اگر پوچھوں کہ تو مجھے بات کے بہت سارے لوگ اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہیں گے کہ ایک دفعہ پینشن مل گئی اس کے بعد ہم پینشن نہیں ملی ہے، اب گھوشنا پتر کے اندر ہم نے بہت سارے کام کیے اور آگے بھی کام کریں گے، اس سرکار کے آنے کے بعد اس کھیت کے وکاس کے لیے ایکسٹرائبل سب پلانٹ کے انترگت جنجاتیوں کے لیے الگ سے نوکری کے کیڈر کو نیم قانون بنا کے تیار کر کے ہمارے ٹرائبل ایریا میں جو نوجوان ہیں ان کو وکاس کا حصہ ملے گا، ٹرائبل سب پلانٹ کے نوکری کیڈر کو الگ سے بنانے کی بات ہو گئی ہے، اس کا لابھ یہ ہوگا کہ سرکاری نوکری کی جو رکت پد ہے اسی کھیتر کے سبھی لوگ دوارا کو یوز کر سکیں گے اور نوجوان کو ایک روزگار کا بہت بڑا ایک موقع مل جائے گا، ٹرائبل سپلائی ایریا کے لیے کھیت بھر ہے اس کو چھوٹا کر دیا جائے گا تاکہ پرشاسنک سویدھا سب کو مل سکے، اور ڈی ڈی او اور پنچایت کی طرف سے جاری کے ادھیکاری کے دوارا پرانے لوگوں کو پراسکتا دیں گے جس میں سروس میں آنے کے بعد ان کو بہت فائدہ مل جائے گا، ہم نے ایک سوچا ہے جو ہم نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر ڈالا ہے گھوشنا پتر کے اندر ڈالا ہے کہ اپنی پچھلی سرکار میں مہیلاؤں کے لیے ہاری جانی ایک وشیش بٹالین ہم لوگوں نے بنایا، آپ اپنے ٹرائبل سب ایریا کے لیے وشیش پولیس بٹالین تو یہاں کے لوگوں کے لیے بٹالین کا نام مولانا پرساد کے اوپر ہوگا وہی ہم لوگ اپنے چنا گھوشنا پتر کے اندر جوڑ رہے ہیں، ہم نے یہ بھی طے کر لیا ہے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کچھ لکھ لیا ہے کہ کسان اور جنجاتی سماج کو پریرنا دینے کے لیے گوبند گرو جی نے اپنا جیون سمرپت کر دیا، پرنتو آج کے لیے کیرلا آدی واسی سماج جو ہے وہ چھوٹے کسان ہیں اور کاج میں ڈوبے ہوئے، ہماری سرکار چھوٹے اور مجھولے کسانوں کے لیے جو کسی بھی سماج سے ہیں اگر ٹی ایس پی کھیت میں رہتے ہیں تو ان کے قرض کی معافی کے لیے وشیش کاریہ یوجنا کا ہم لوگ نرمان کریں گے کسان ہمارے روز کا رکھا کے لیے، پھر ہم نے دیکھا کہ سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے تو طے کیا کہ سب ضلعوں کو میگا ہائی وے کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے تاکہ اس کھیت میں جو دور دراز کے گاؤں ہیں وہ سب شہروں سے جڑ جائیں گے اور پردیش کی وکاس کی مکتی دھارا کے اندر وہ بھی جڑ جائے گی، اپنی جنجاتی کے لیے جو کھیل پرتیبھا ہے ان کے اوپر وشواس ہے کھلاڑیوں کے اوپر وشواس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹی ایس باجی اور دوسرے بھی ہمارے جو فوج کی اہمیت ہے اس کے اندر اندر راشٹر کی فوج کی اکیڈمی ہم لوگ بنا لیں گے جس کا فائدہ بھائی سرکار کو مل جائے گا، پھر تکنیکی شکشا یہ وکاس کے لیے کرنا ہے آئی ٹی آئی اور پولی ٹیکنیک جیسے
शिक्षा में चलता है हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को एक विशेष प्रवचन कार्यक्रम चला के उसे आगे करके नौकरियों के लिए कल्याण करने का हम लोग काम करेंगे। और आखिरी पशु वर्ग ये हमारे लिए बहुत अमूल्य है और हमारी सरकार आने के बाद हम पशुधन के लिए मोबाइल चिकित्सा का प्रबंध करेंगे। मेरे गाँव में जाएंगे और गाँव में जाके हम आपके जानवरों का इलाज करने का काम करेंगे। ये जिस तरीके से सरकार स्त्री में दर्द होती है सरकार में सुधार ही होगा सरकार के गाँव के अंदर जाके ये काम करने का करेंगे। बिजली चौबीस घंटे में घरेलू बिजली करने को आता चौबीस घंटे में जो फायदा हमने किया है और बिजली का पानी और सिलाई का पानी वो गाँव के अंदर पहुंच जाएगा। दो साल से अपील करके हमारी कोशिश हो रही है कि आपको इसी के लिए कहीं तरह से भटकने की जरूरत नहीं होगी। और हम आगे में आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको पांच साल के बचाव के लिए काम करने वाले हैं। पांच महीने का नहीं भाइयों पांच महीने की सरकार अपना कब्जे में नहीं पूरे पांच साल जिनके अंदर आपके पास मिलकर जो काम आपके क्षेत्र के अंदर करवाए हैं उस नया राज्य काम करवाने के लिए उसका नया स्वरूप बनाने के लिए हम और आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। बोलो तैयार हो बोलो तैयार हो नए काम करने के लिए धरती नहीं होगा आप लोग सब के लिए काम करोगे तो मैं विश्वास करती हूँ। तो आओ हम लोग साथ चले हम लोग चले मिलके एक नए भविष्य की ओर हम चले कि राजस्थान एक नया राजस्थान हम बना के जोड़े और एक गांव का नारा लगाते हो हाँ मानते हो तो हमारे मोदी जी के साथ में जो हाथ ऊपर करके एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान जय जय राजस्थान। तो ये बताओ राजस्थान के अंदर आएगा ये विश्वास तो मोदी जी को आज देना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग जो बात कहते हो वो करके ही सोचते हो और इसलिए राजस्थान के परिवर्तन को सबसे पहले आप उनको पेश करना चाहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्यार दादी बहुत बहुत धन्यवाद।